हेलो एवरीवन, तो आज की क्लास में हम लोग काइनेमेटिक्स के बारे में शुरू करने जा रहे हैं। और काइनेमेटिक्स में सबसे पहला टॉपिक जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे वो है रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट, और इसके साथ में हम पढ़ेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ और बहुत ही कॉमन सेंस वाली बहुत सिंपल सी चीज़ है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मैं कब बोलता हूँ कि एक बॉडी मूव कर रही है या एक बॉडी रेस्ट पर है। तो सबसे पहला सवाल आता है कि अगर बॉडी मूव कर रही है, इसका मतलब क्या है? बॉडी का मूव करना मैं तब बोलूंगा कि जब एक बॉडी की पोजीशन चेंज होगी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसी भी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है तो मैं क्या बोलूंगा? अ बॉडी इज मूविंग। अब मेरा अगला सवाल आता है कि सर, अगर बॉडी की पोजीशन चेंज होती है तो ये पोजीशन क्या चेंज है? ठीक है, सो व्हाट इज पोजीशन? तो मैंने कहा अगर पोजीशन के बारे में बात करूं, बहुत कॉमन सेंस वाली चीज़ है भाई, 3D स्पेस में किसी भी चीज़ की लोकेशन के बारे में अगर आपको बोलना है तो आप क्या बोलोगे? पोजीशन के बारे में बोलोगे। सो पोजीशन इज अ लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 3D स्पेस। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अगर मैं एक सिंपल सा केस, मैं किसी भी बॉडी की पोजीशन किस तरीके से डिफाइन करूं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो आपको यहाँ पर ये एक बॉल है पूल टेबल पर, और आपको इस बॉल की पोजीशन बतानी थी कि इस बॉल की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो पोजीशन बताने के लिए सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये कि अगर आपको इसकी पोजीशन बतानी है तो सर पोजीशन बतानी कहाँ से है, ये तो पता चले कि किस पॉइंट से मैं इसकी पोजीशन बताऊँ। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अब जो सोचना चाहिए वो ये कि पोजीशन बतानी है तो किस जगह से, फ्रॉम वेयर, किस जगह से मुझे पोजीशन बतानी है। यानी कि आपको एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां से आप पोजीशन नापें, इसी को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, या सिंपल टर्म्स में इसको मैं बोलूंगा ओरिजिन। ठीक है, तो या तो आप रेफरेंस पॉइंट बोलें या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसको, ओरिजिन। तो इस बॉडी की पोजीशन अगर आप मेजर करेंगे तो उस रेफरेंस पॉइंट से मेजर कर सकते हैं। जैसे इस वाले केस में मैं, हो सकता है वो रेफरेंस पॉइंट इस वाले पॉइंट को मान लूं, ये जो होल है, तो मैं यहां से इसकी पोजीशन बता दूं, इस वाले पॉइंट की पोजीशन। हो सकता है कि आपको पोजीशन इस वाले पॉइंट को मान लें, तो यहां से आप इस बॉडी की पोजीशन निकालें। अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के लिए बॉडी की, सेम बॉडी की पोजीशन अलग अलग होगी। तो अब पोजीशन डिफाइन करने के लिए हमको तीन चीजों की जरूरत है। कंप्लीटली अगर मुझे इस बॉडी की पोजीशन बतानी है तो मुझे तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होने वाली है। पहली रिक्वायरमेंट रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन। दूसरी रिक्वायरमेंट उस ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना है। इस वाले पॉइंट का ओरिजिन से, अगर मैं इसको ओरिजिन बोलता हूँ, तो ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो ये वाला डिस्टेंस मुझे नापना पड़ेगा। लेकिन केवल और केवल ओरिजिन और डिस्टेंस डिफाइन करने से काम नहीं होगा, मुझे ये भी पता करना चाहिए कि इसकी डायरेक्शन क्या है। सो मुझे अब तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक तो है रेफरेंस पॉइंट, दूसरा ओरिजिन, सॉरी दूसरा है डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, और तीसरी है डायरेक्शन। अब इन तीनों चीज़ों के बारे में अगर मुझे पता चल जाए तो मुझे किसी भी बॉडी की पोजीशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इन तीनों चीज़ों के बारे में या पोजीशन डिफाइन करने के लिए हम तीन तरीके से पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, पोजीशन डिफाइन करते हैं हम वन डायमेंशन में। तो वन डायमेंशन में अगर मुझे किसी बॉडी की पोजीशन डिफाइन करनी है तो वन डायमेंशन में पोजीशन कैसे डिफाइन करूंगा? तो सिंपल सी बात है, आपको एक ओरिजिन डिफाइन करें। अगर आप एक डायरेक्शन को प्लस डायरेक्शन बोल देते हैं तो दूसरी डायरेक्शन अपने आप कैसी हो जाएगी? माइनस डायरेक्शन। यानी कि इस बॉडी की लोकेशन अगर आप यहां पर इस डायरेक्शन में अगर राइट साइड है तो प्लस एक्स बोल रहा हूं, और अगर कहीं ये बॉडी लेफ्ट साइड होती तो आप क्या बोलते हैं इसको? माइनस एक्स। ये प्लस और माइनस सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है? ये बता रहा है आपकी बॉडी की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो रही बात वन डायमेंशन में। अगर इसी जगह मुझे बॉडी की पोजीशन बतानी होती इन टू डायमेंशन, तो टू डायमेंशन में बॉडी की पोजीशन मैं किस तरीके से डिफाइन करूंगा? तो सबसे पहला तरीका है बॉडी की पोजीशन डिफाइन करने का 2D में, कि आप रेफरेंस पॉइंट, एक ओरिजिन एक्स एक्सिस ले लो, एक वाई एक्सिस ले लो, और यहाँ पर ले लो। ठीक है, इसको ओरिजिन मान लिया। ओरिजिन के साथ आपने बोला कि अगर मुझे इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पता चल जाएं, अगर मुझे इस बॉडी के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पता चल जाएं, तो मैं इस बॉडी की पोजीशन पता कर लूंगा।
इस तरीके के सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। और पोजीशन को लिखने का तरीका, अगर मैं इसकी पोजीशन लिखना चाह रहा हूं तो लिखूंगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आई कैप और जे कैप दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस के अलोंग मैं एक्स यूनिट गया और वाई एक्सिस के अलोंग मैं वाई यूनिट गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इस वेक्टर की पोजीशन लिखूंगा। वेक्टर्स के बारे में मैं अलग से बाद में बताऊंगा जब मैं वेक्टर्स के बारे में पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिलहाल इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आई सर, ये तो एक तरीका है, क्या अकेला पोजीशन डिफाइन करने का टू डायमेंशन में यही एक तरीका हो सकता है? तो मैंने कहा नहीं, अगर आपको पोजीशन डिफाइन करनी है तो आप एक और तरीके से बॉडी की पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। या तो आप एक्स और वाई एक्सिस जैसे पहले मैं डिफाइन करूं, या अगर मैं बॉडी की डिस्टेंस और ये एंगल बता दूं, अगर मैं थीटा बता दूं और मैं आर बता दूं, तो आपको फिर भी पोजीशन मिल जाएगी आर कॉमा थीटा। इस टाइप के सिस्टम को बोलते हैं हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहां पर ध्यान दीजिएगा, थीटा मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहा हूं, ठीक है। थीटा इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के थीटा को मैं पॉजिटिव मानूंगा, थीटा क्लॉकवाइज होगा तो मैं नेगेटिव मानूंगा। तो बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप हर एक पॉइंट का इस तरीके से आर कॉमा थीटा के टर्म्स में पोजीशन बता सकते हैं। अब बात आती है सर, क्या ये दोनों सिस्टम्स अलग अलग हैं? मैंने कहा नहीं, बस ये तो दोनों चीज़ें एक ही पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए दो अलग अलग तरीके हैं। भाई दो अलग अलग लोग सेम बात के बारे में दो अलग अलग तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा हो सकता है आपको कभी इन दोनों को सिस्टम में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ जाए, हो सकता है आपको कार्टेशियन सिस्टम को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ जाए, या ये भी हो सकता है कि आपको कभी पोलर दिया हो और आपको कार्टेशियन निकालना हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा अगर ये पॉइंट है, मैंने आर कॉमा थीटा दिया हुआ है और एक्स और वाई दिया है, हो सकता है आर कॉमा थीटा से आपको वाई निकालना हो और एक्स पर निकालना पड़ जाए, या अगर एक्स और वाई दिया हो तो आपको आर और थीटा निकालना पड़ सकता है। तो मैंने कहा सर कैसे निकालेंगे? तो आपको अगर इस ट्राइंगल में आप फोकस करें तो इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में आप अगर ध्यान से देखें तो ये आर जो है, ये जो रेडियस है या जो डिस्टेंस है, ये हाइपोटेनस दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। तो क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी? आर स्क्वायर के बराबर होगी। तो मैंने कहा कन्वर्जन देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और अगर थीटा निकालना है तो टेन थीटा किसके बराबर होगा? टेन थीटा विल बी वाई अपॉन एक्स, तो टेन थीटा हो गया वाई अपॉन एक्स के बराबर, ठीक है। तो दिस इज यू आर कन्वर्टिंग फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन अगर मुझे पोलर से कार्टेशियन में ज़रूरत पड़े तो मैंने कहा फिर से सेम वही चीज़, भाई अगर ये आपको आर दिया है, ये थीटा दिया है, तो आप अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल पे फोकस करें तो ये वाई क्या है, ये वाई परपेंडिकुलर है या नहीं है? दिस वाई इज परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता था? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता था साइन थीटा। तो अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का साइन थीटा। हाइपोटेनस क्या है? आर, दिस इज आर साइन थीटा, ठीक है। तो वाई इज आर का साइन थीटा एंड एक्स इज आर का कॉस थीटा। सेम वही, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो एक्स निकालना है तो आर का कॉस थीटा, ठीक है। तो बेसिकली हम दोनों सिस्टम को एक दूसरे में आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई बात तो सेम ही है, ठीक है। अच्छा, कई बार आपको ये कन्फ्यूज़न होता है कि किसके साथ साइन थीटा लूँ और किसके साथ कॉस थीटा लूँ, तो उसका बहुत सिंपल सा इलाज है, मैंने ऐसे याद करके रखा हुआ है। थीटा के बगल वाला, थीटा के बगल वाला क्या होगा आपका? कॉस थीटा। और थीटा के सामने वाला ये आपका क्या हो जाएगा? साइन थीटा, ठीक है। तो वाई निकालना है तो आर का साइन थीटा, एक्स निकालना है तो आर का कॉस थीटा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर इसी जगह पोजीशन मुझे 3D में डिफाइन करनी होती तो सर 3D में पोजीशन मैं किस तरीके से डिफाइन करूंगा? तो मैंने कहा सेम वही जैसा आपने 2D में किया था, बस इस बार एक्स वाई के साथ साथ आपका क्या होगा? जेड एक्सिस भी हो जाएगा। अगर मैंने ये एक्स बोला है, ये वाई बोला है, तो ये ऊपर वाली डायरेक्शन क्या हो गई? जेड एक्सिस। तो इस बार आप पोजीशन इसकी डिफाइन करेंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड के टर्म में। और अगर मैं पोजीशन वेक्टर को लिखूं तो दिस विल बी एक्स आई कैप
प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग मैं कितना गया हूँ एक्स आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग कितना गया हूँ वाई, और जेड एक्सिस के अलोंग कितना गया हूँ जेड, ठीक है। लेकिन इस बार डायरेक्शन अगर मैं डिफाइन करूँ तो एक तो ये तो बात फिर से वही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अगर मैं इस बार पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूँ तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप आर बताएंगे और साथ में आपको ये तीनों एंगल्स बताने पड़ेंगे। केवल इस बार एक एंगल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको अब एक्स एक्सिस के साथ भी एंगल चाहिए, आपको वाई एक्सिस के साथ भी एंगल चाहिए और आपको जेड एक्सिस के साथ भी चाहिए। अगर मैं इनमें से कोई दो एंगल आपको फिक्स कर दूं तो तीसरा एंगल अपने आप फिक्स हो जाएगा, ठीक है। पर फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने तीन एंगल बताए और आपको ये ए बता दिया या आर बता दिया, दोनों बातें सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से भी मैं पोजिशन डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना चाहूँ या कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं किस तरीके से आपस में कन्वर्ट करूँगा, तो फिर से वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजिकल्स टू आर स्क्वायर, तीनों का डिफरेंस आप ऐड करोगे। ये देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका ये वाला डिस्टेंस बनता है यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल में देखें, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप इनका हाइपोटेनस और ये दोनों को आप स्क्वायर ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा आर मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपको एंगल चाहिए, तो मैंने कहा एक्स की वैल्यू विल बी आर का कॉस अल्फा। अगर आपको x चाहिए, x यानी कि आपको ये वाली वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता और वो परपेंडिकुलर पर जस्ट गिरता तो क्या होता, ये वाला एंगल कितना है अल्फा, और फिर से एंगल बगल वाला है तो ये क्या होता r का cos अल्फा, ठीक है। y की वैल्यू r का cos बीटा, z की वैल्यू r का cos गामा। ये cos अल्फा cos बीटा और cos गामा को मैं बोलता हूँ दिस इज डायरेक्शन cosines। ये cos आपको बता रहे हैं कि इस वाले पोजीशन की डायरेक्शन क्या है, भाई आर तो आपको डिस्टेंस बता रहा है और अल्फा बीटा गामा आपको डायरेक्शन बता रहे हैं, और सिंस इसका कॉस अल्फा ले रहा हूं तो दिस इज डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब कॉन्सेप्ट सारे सेम है, 1D में चाहे बात करूं, चाहे 2D में, चाहे 3D में। 2D और 3D में जो अंतर है बस वो है एक तीसरे एक्सिस का, ठीक है। चलो अब अगली बात करते हैं, सर अगर मैंने पोजीशन डिफाइन कर दी तो सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ये, तो मैंने कहा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं, अगर आप इसी पोजीशन में टाइम और कंबाइन कर दें, ठीक है, आपकी पोजीशन प्लस टाइम, यही आपका क्या होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कहने का मतलब ये है आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप घड़ी लेकर के और बैठ जाएं, एक अलार्म क्लॉक और लेकर के बैठ जाएं, तो ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली मैं टाइम और मेजर करना है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम दो टाइप से क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। पहला होता है इनर्शियल फ्रेम और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब सर ये दोनों क्या है, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेट ना करे, हम एक्सेलरेशन के बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ ऐसा एक्सेलरेशन, शायद आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन 9th क्लास में, कि जो वेलोसिटी चेंज ना हो, तो नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जिसकी वैल्यू वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है इसको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कहने का मतलब है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जो एक्सेलरेट ना करे, अगर आप रेस्ट पर हैं, ठीक है, या आप कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो दिस इज योर इनर्शियल फ्रेम, और अगर आपका फ्रेम ये कहीं एक्सेलरेट करने लग जाए तो दिस विल बी अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करूं या इमेजिन करना चाहूं, तो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को सिंपल टर्म्स में बात करो तो ऐसा सोच सकते हो कि आपके हाथ में कोई वीडियो कैमरा है, ठीक है, और वो वीडियो कैमरा जो भी आपको दिखाएगा दैट विल बी योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी वीडियो कैमरा को स्टिल होल्ड करके रखे हुए हो, ठीक है, आप बिल्कुल ऐसे पकड़े हुए हो, तो दे आर ट्राइपॉड पर रखे हुए हो, दिस इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन अगर आप उसी कैमरा को पकड़ के कहीं भाग रहे हैं या एक्सेलरेट कर रहे हैं तो दिस विल बी अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जब जब अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात मैं करूँगा, मैं हमेशा आपको ये कैमरे का व्यू पॉइंट दिखाऊंगा, ठीक है। तो कैमरे में जो चीज़ें आपकी फ्रेम रिकॉर्ड होंगी सेम वही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस फील करेगा,
ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में अब हमें परेशानी नहीं होगी। तो जब जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करेंगे तो हम ऐसा सोच लेंगे हमारे हाथ में कैमरा है या जो भी ऑब्जर्वर है उसके हाथ में वीडियो कैमरा है, और वो वीडियो कैमरा किस तरीके की पिक्चर शो कर रहा होगा हम उसके बारे में इमेजिन करेंगे। तो अगर बात आती है सर हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पता चल गया, अब सर कौन सी बॉडी रेस्ट पर है, पोजीशन के बारे में मुझे पता है, मुझे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पता है, तो अब कोई बॉडी रेस्ट पर है या कोई बॉडी मूव कर रही है इसके बारे में मैं कैसे बात करूंगा। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पर सामने इमेज में राइट साइड जो इमेज है आपको कुछ बुक्स रखी हुई दिखाई दे रही है, बुक्स है, आपका पॉट है, एक टेबल पर बुक्स रखी हैं। तो सवाल आता है कि ये बुक्स क्या रेस्ट पर हैं या ये बुक मूव कर रही हैं। ठीक है, तो अगला सवाल आपको पूछना चाहिए सर इसको देखने वाला कौन है। ठीक है, यानी कि क्या आप कमरे में बैठ करके या खड़े होकर के आप इसको देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये रेस्ट पर है, लेकिन आप इमेजिन करो एक ऐसा पर्सन जो कि या मान के चलो कोई एक एस्ट्रोनॉट है जो अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा है। ठीक है, तो स्पेस स्टेशन से अगर एक एस्ट्रोनॉट आपको ये बुक को नोटिस करेगा तो उसके लिए तो पूरी अर्थ मूव कर रही है, और अगर अर्थ मूव कर रही है तो अर्थ के साथ साथ अर्थ में लाई करने वाली हर चीज़ भी मूव कर रही है। इसका मतलब एस्ट्रोनॉट के लिए ये बुक कैसी है, ये मूविंग है। तो कहने का मतलब सेम ऑब्जेक्ट ये जहाँ आपके लिए रेस्ट पर था किसी और पर्सन के लिए वो ऑब्जेक्ट मूविंग है। जहाँ इस वाले अगर मान के चलो ये एक ऑब्जर्व होता, इस ऑब्जर्वर के लिए अगर ये बुक रेस्ट पर है तो बाहर स्पेस में जो ऑब्जर्वर होता उसके लिए ये मूविंग होती। तो कहने का मतलब है ये डिपेंड करेगा कि कोई चीज़ रेस्ट पर है या मूव कर रही है, ये डिपेंड करेगा दैट हु इज़ द ऑब्जर्वर, हु इज़ ऑब्जर्विंग द थिंग्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात क्लियर है। तो रेस्ट और मोशन इस बात पर कंप्लीटली डिपेंड करता है, बोथ आर ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटीज, और ये इस बात पर डिपेंड करती है कि ऑब्जर्वर कौन है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एक सिमुलेशन थोड़ा सा। जैसे इमेजिन कीजिएगा आपके पास यहाँ पर दो ब्लॉक्स हैं। ठीक है, दो ब्लॉक्स को अगर आप बाहर से देख रहे थे, अगर आप बाहर से खड़े होकर के आपको यहाँ पर खड़े हुए थे और आप यहाँ से इन दोनों ब्लॉक्स को मूव करते हुए देख रहे हैं, दोनों ब्लॉक्स राइट साइड में 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो आपको दोनों की दोनों ब्लॉक्स कैसे दिखाई देंगे, आपको दोनों ब्लॉक्स मूविंग दिखाई देंगे। आप जरा ऑब्जर्व कीजिए दोनों की दोनों ब्लॉक्स क्या हैं, आगे की ओर जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी जगह आप ऑब्जर्व करते सेकंड केस में, जरा देखिएगा सेकंड केस में मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, और इस वाले केस में मैं अगर अपने हाथ में एक वीडियो कैमरा लेकर के शूट कर रहा हूँ तो क्या मुझे ये आगे वाला बॉडी मूव करती हुई दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही होगी। मुझे तो ऐसा लग रहा होगा कि ये वाली बॉडी कैसी है, रेस्ट पर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उसके आगे हम फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, एंड सो ऑन। थैंक यू।